वैसे आजकल देखा जाए तो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, इसमें तालमेल बिठाना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप ये कैसे करते हैं? कैसा है कि एक शुरुआत हमारी जो होती है, इंसान पास्ट टाइम से ही शुरुआत करता है या उसको शुरू शुरू में काफ़ी पेन होता है। जब भी आपने भी अपने करियर की शुरुआत करी होगी तो हम नर्वस होते हैं, घबरा रहे होते हैं, तो एक पासिंग द टाइम से या पेन से शुरुआत होती है। ये एक पहला पी होता है करियर का हमारा। फिर उसके बाद में क्या होता है कि अगला जो पी आता है उसमें हम प्रोफेशनल बन जाते हैं। प्रोफेशनल बनने के बाद में इंसान क्या होता है कि वो ठीक है, मुझको इतनी सैलरी मिल रही है, इतनी सैलरी में जस्टिफाई करके दूँ मेरी ऑर्गेनाइजेशन को। फिर उसमें अंदर आता है, पैशन आ जाता है कि ये काम मैं बहुत पसंद कर रहा हूँ। अभी आप जो अपना काम को इस तरीके से पसंद कर रहे हो, आपके अंदर एक पैशन आ चुका है। लेकिन कुछ लोग क्या होता है कि ये पैशन से अपग्रेड होकर चले जाते हैं पर्पज़ में। पर्पज़ उनको मिल जाता है कि मेरी लाइफ का पर्पज़ है इंडिया को चेंज करना या मीडिया को चेंज करना या डिजिटल लैंडस्केप को चेंज करना है पूरा। कुछ लोग पॉलिटिक्स में आते हुए बोलते हैं कि पूरा पॉलिटिक्स को ही चेंज कर देना है। ऐसे भी हम लीडर्स को देखते हैं कि पूरा उन्होंने पॉलिटिक्स ही चेंज करके रख दिया है। अब ये कुछ लोग जो होते हैं ये पर्पज़ के भी आगे निकल पड़ते हैं, जो बोलते हैं कि मुझको पीस लेकर आना है, कि सिर्फ पर्पज़ ही नहीं मैं अचीव करूँ अपना, ये पर्पज़ के आगे मैं बढ़ जाऊँ और दुनिया में मैं पीस लाऊँ। तो अब हमारा टेक्नोलॉजी का पर्पज़ ये बन चुका है कि हम पीस लेके आए। तो ये जो सारे पी जो मैंने आपको बताए, छः के छः पी मैंने आपको बताए, ये छः के छः पी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि मैं किस लेवल पे पहुंच गया हूँ अपने लाइफ में। तो कोई भी एक स्टार्टअप जब शुरू करे तो वो समझ ले अगर कि मैं इन कौन से पी, इसमें से कौन से पी पर मैं पहुंच गया हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली वो उस लेवल पे लेके चला जाएगा अपने स्टार्टअप को। और उसको फाइनल जो उसका जो लेकर जाना है कि पर्पज़ और पर्पज़ के बाद में पीस, ये पीस तक उसको लेके जाना है। और फिर वो अंदर भी पीस महसूस करेगा। जब आप पूरी दुनिया में पीस बांटते हो तो देखो, दो साइंटिफिक लॉ है इनको कोई भी बदल नहीं सकता। ये जिन्होंने मतलब लिखे ये साइंटिफिक लॉ, उनके पहले भी एग्जिस्ट करते थे। एक तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनादर। और दूसरा साइंटिफिक लॉ है, टू एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मैं अगर बंदूक लेके मैं डिस्ट्रक्शन करने फैलूंगा निकलूंगा तो मेरे को भी बंदूक ही मिलेगी बदले में। मैं अगर पीस लेकर निकलूंगा तो मुझको भी फिर बदले में पीस मिलेगा। तो अगर आप ये लेके पर्पज़ लेके, ऑर्गेनाइजेशन का पर्पज़ ये बन गया है कि दुनिया में पीस लेके आना है, हर तरफ खुशी लेके आना है, आपके ऑर्गेनाइजेशन को भी बदले में खुशी मिलेगी। तो ऑर्गेनाइजेशन का पर्पज़ जो है, एंड पर्पज़ हर ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए, दुनिया में पीस हम लेकर आए। कई बार हम अपने व्यक्तिगत जीवन का ध्येय और अपने कामकाजी जीवन का अंतिम ध्येय अलग अलग रखते हैं, जिससे जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है। अपने व्यक्तिगत जीवन और कामकाजी जीवन में संतुलन रखने का सबसे प्रभावी तरीका है कि हम शांति को अपना लक्ष्य रखें, जिसे जीवन का हर एक अंग, व्यक्तिगत या कामकाजी, सहज हो जाए। हम जल्द ही आएंगे अगली वीडियो के साथ, जिसमें पीयूष जी बताएंगे आपको सफल उद्योजक होने का मंत्र।